और सीधे हाथ गाल के नीचे रख लें, बुखारी शरीफ। और सोने से पहले सूरह फातिहा, सूरह बकरा का आखिरी रुकू और चारों कुल पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके जिस्म पर मल लें। रात 10 बजे सो जाएं, सुबह फजर से खबर बेदार हो जाएं, सुबह उठकर हाथ धो लें और सोते वक्त की दुआ पढ़ें और दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अमूत व अहया, और उठते वक्त की दुआ भी पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसके तिब्बी फायदे भी हैं। सेहत के लिए क्या फायदे हैं? सेहत के लिए फायदे हैं, दाएं सोने से दिल और मैदे के अमराज से बचा जा सकता है, हाजमी निजाम बेहतर रहता है, बाएं करवट सोने से आंते और मैदों में दबाव पैदा यानी दबाव में आ जाता है जिससे दिल की हरकत कम हो जाती है, या और औंधे सोने से जिस्म के तमाम आजा हाजमी निजाम आजा निजाम सारे के सारे फेल हो जाते हैं, और जुनून की कैफियत तारी होती है, ज्यादा सोने से मिर्गी आंखों के अमराज पैदा होते हैं। ये दरअसल तिब्बी फायदे हैं। आइए हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। आप छींक और जमाई के आदाब में छींक आप आज ये रुमाल रखना चाहिए, ये रुमाल रखना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज छींक ऐसा नहीं छींकना चाहिए, बल्कि छींक आते ही या तो हाथ रखें, अभी तो कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, अगर आप हाथ नहीं रखेंगे तो दूसरों को मुतासिर होगा, इसलिए मास्क सिस्टम कर दिया गया है, मास्क लगाना आज लाजमी है, तो जमाई से हमारे अमराज दूसरों को लग जाते हैं, जमाई से हा ये मुंह खोलकर हा कहते हैं, तो ये हा कहते हैं सांस पूरी अंदर से सब निकल कर दूसरों को मुतासिर होता है, इसलिए मास्क लगाना कोरोना वायरस या और भी कोई बीमारियां हैं तो हमारी बीमारियां दूसरों को सामने वालों को मुंतकिल होती है, तो जमाई लो हाँ या ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि जमाई आए तो यहाँ हाथ रखा जाए, ऐसा हाथ रखा जाए, जमाई आए तो हाथ रखा जाए, अस्तग़फिरुल्लाह कहें, क्या कहना चाहिए, अस्तग़फिरुल्लाह यानी जमाई आए, और अगर छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो अब दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पर तो अब आपके सामने सोने का अमल बताएंगे, ये तो छींक और जमाई का अमल था, अब सोने का अमल बताएंगे, अब आप इधर सीधे हाथ की जान सो के बताइए और आप क्या है औंधे सो के बताइए, औंधे सो ये देखिए ये अमल जो होता है ये ऐसा सोने से बनती है और ये सुन्नत है और ये सुन्नत सातों आसमान से आई है, इससे सारा निजाम पूरा निजाम क्या है हाजमी निजाम सारे निजाम इससे सही चलते हैं, लिहाजा करवट सोया जाए, करवट सोया जाए, और उसके साथ साथ ये करवट सोने से कई तिब्बी फायदे अभी आपको बताए गए, और ये जो औंधे सो रहे हैं ये औंधे सोना गलत है, ये शैतान सोता है, ऐसा औंधे शैतान सोता है, और इससे पूरा जिस्म का जितने अंदरूनी सिस्टम है ये मुंह सांस लेने तकलीफ ये सारा का सारा निजाम इससे फेल हो जाता है, और औंधे सोना बिल्कुल ये शैतान की अलामत है, और ये मुसलमान की और हर इंसान ऐसा सोना चाहिए, हर इंसान ये करवट सोना चाहिए, तो ये सुन्नत है, इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे, तो ये छींक और जमाएंगे, उठ जाइए इधर बैठिए। अब रहा पहनने और ओढ़ने के आदाब, पहनने ओढ़ने के आदाब में देखिए खड़े रहिए, ये टखने के ऊपर हमारा लिबास रहना चाहिए, टखने के ऊपर होना चाहिए, ये चाहे पैंट पहनिए और पैंट ऐसा भी मत पहनिए कि पूरे जिस्म के चिपका हुआ रहे तो आपको नमाज पढ़ने नहीं आता, तहारत देने नहीं आता, ये निजाम से ये आजकल क्या है मालूम है सारी दुनिया ऐसे ही पहन रही, बल्कि हम भी ऐसा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि यही पैंट क्या है जरा लूज रखे, लूज यानी कि पहले वो ये क्या बोलते थे पहले वो सब पैंट बोलते थे कि बड़ा पैंट बेल बॉटम पैंट, हमारे जमाने में बेल बॉटम थे पैंट, ये पैंट जरा खुले रहते यहाँ तक बेल बॉटम की तरह, यानी कि ये लूज रहता है जिसम से लगाव नहीं रहता,
फिर उसके साथ क्या है मालूम, ये इसको ढकने के ऊपर होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये लिबास ऐसा घिसटते हुए नहीं चलना चाहिए, अल्लाह क़यामत के दिन रहमत नहीं करेगा। और एक रिवायत में दोज़ख में होगा, दोज़ख में यानी एक रिवायत में दोज़ख में होगा, बुखारी शरीफ में। औरतें शलवार पहने, कुर्ता पहने, या देखिए यहाँ पर शलवार है, कुर्ता है, और ओढ़निया है, सर पे पल्लू है, और स्कार्फ है, ये चीजें हैं, बुरखा है, ये चीजें, और नजरें नीची रहनी चाहिए। औरतों की नजरें के नीचे साथ साथ मर्द की नजरें भी नीची रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब तरफ देखते हुए चले, बल्कि किसी को भी ना देखें, यानी ट्रैफिक